तपती धूप और प्रचंड गर्मी से राहत देने के लिए निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री में लगा सौर ऊर्जा पंप बहुत कारगर साबित हुआ है। दरअसल निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त पिपलांत्री गांव पहाड़ी और खनन क्षेत्र में बसा होने से पानी की बहुत समस्या थी। पूर्व सरपंच ने इंटरनेट पर यूनिसेफ से जानकारी लेकर इसे निजी प्रयासों से स्थापित किया। ये पंप करीब 300 फीट गहराई से पानी निकालता है। सौर ऊर्जा से संचालित ये पंप बिजली संकट से निपटने में भी काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। एयर पंप और कामरा लोग सब अनेज पानी पिए और उभरे एक 2000 लीटर की टंकी बनाई है बड़ी मस्टोक है बटो वटे नल लगा थका रस्ते सालवा वाला पिए अणि वो पानी वन से जो अणि प्यो में भरा जो डांडा डोर और गायें और जंगली जानवर ही पानी पिए और जो पानी अणि वन से जो आगे गार्डन में और अणि पेड़ पौधा में जा सक। ये सोलर पंप यूनिसेफ के माध्यम से यूनिसेफ की जानकारी से हम लोग पूना से लाए हैं। 300 फीट नीचे से पानी निकालता है ये और सोलर ऊर्जा से चलता है। जब सूरज की रोशनी नहीं होती है तब ये हाथ से हैंड पंप काम करता है और पानी आता है। और ये बिजली की जो प्रदेश में कटौती है, अब बिजली नहीं होगी तो पीने का पानी नहीं होगा और पीने का पानी नहीं होगा तो पशुओं को कैसे जिंदा रखेंगे, कैसे पानी पिलाएंगे, और पीने के पानी की बड़ी ज़ोरदार समस्या है। तो ये सोलर पंप लगाने के बाद पीने के पानी की समस्या जड़ से ख़त्म हो गई।